बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ता और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है जिसे खाना सुन्नत भी है। हम 5 से 7 मिनट में ही रेडी करेंगे, तो चलें इसकी रेसिपी भी देखते हैं और इसमें हमने जो जो अज्जा डाले हैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। जी तो यहाँ पे दूध लिया है मैंने 1/2 किलो, और ये उबला हुआ दूध है। अगर आप कच्चा दूध यूज़ करें तो आपने उसे पहले बॉयल कर लेना है और उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब इसमें मैं 2 अदद इलायची ऐड करूँगी और इसे हमने पहले अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसका छिलका रिमूव करके सिर्फ इसके सीड ऐड करने हैं। इलायची हमारे दिमाग को तेज़ करती है, हमारे मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है, हमारी पूरी बॉडी को ये रिलैक्स करती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। गुर्दे में पथरी की शिकायत जिन लोगों को होती है, अगर कुछ अर्सा इसे रेगुलर इस्तेमाल कर लें वो लोग, तो यूरिन के ज़रिए पथरी रिमूव हो जाए। अच्छा, जौ का दलिया आप देसी भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला दलिया यूज कर रही हूँ फौजी का, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड होता है तो इसे आपका जो कुकिंग का टाइम है ये बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। और ये बॉक्स के अंदर कुछ इस फॉर्म में होता है। जो कि फायदे अगर गिनवाने बैठे हैं तो 1 घंटे की वीडियो इसी पर ही बन जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो में ही मैं आपको तलबीना की सारी डिटेल, इसकी सारी क्वालिटीज बता दूंगी इंशाल्लाह। तो चूल्हे की आंच को हमने ऑन किया हुआ है मीडियम स्पीड पे। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा स्लो स्लो। अब इसको मीठा बनाने के लिए हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल शुगर ऐड नहीं करनी है, इवन शक्कर भी ऐड नहीं करनी है। तो उसके लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे खजूरें। 8 से 9 दाने मैंने लिए हैं क्योंकि ये छोटे साइज के थे। इसकी गुठली हम रिमूव कर लेंगे और इस तरह से इसे छोटे छोटे से पीसेस में काट के वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो मिक्सी में डाल के इसकी पेस्ट सी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसको ऐड करूंगी। इस तरह से दूध में पकने से ये मीठा भी हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो छोटे छोटे से पीसेस मुंह में आते हैं, मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप इसकी पेस्ट बना लें। खजूर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। इसमें पोटाशियम और फाइबर बहुत वाफर मिकदार में होते हैं। हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही मुफीद है। हार्ट पेशेंट्स को वैसे डॉक्टर अजवा खजूर खाने के लिए कहते हैं, तो ना सिर्फ अजवा खजूर बल्कि तमाम खजूरें हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम ऐड कर रही हूँ। अगर आप बादाम को भिगो के इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अफादियत में 40 गुना इजाफा हो जाता है। बादाम में मिनरल्स और जिंक वाफर मिकदार में होते हैं। दिल के अमराज के लिए ये बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 को हासिल करने का ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, और दिमागी कमजोरी के लिए तो बादाम अच्छा समझा ही जाता है। अच्छा, अगर आप में से खुदा ना खास्ता कोई शुगर पेशेंट है तो इसमें से आप खजूरें स्किप कर सकते हैं। खजूरों के बगैर भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन अगर आप इसमें खजूरें ऐड करते हैं तो इसकी अफादियत में 4 गुना इजाफा हो जाता है, क्योंकि खजूरें हमें कैंसर से बचाती हैं और ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती हैं। यहाँ पे मैं 2 से 3 खाने के चम्मच नारियल का पाउडर ऐड कर रही हूँ, नारियल का बरादा भी जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। असल में नारियल में बहुत ज्यादा तादाद में मिनरल और विटामिन्स होते हैं, और ये एंटी एजिंग भी है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो सोने पे सुहागा। असल में जो फ्रेश नारियल होता है या जो ड्राई किया हुआ नारियल होता है उसमें बहुत ज्यादा तादाद में फैट्स होते हैं, लेकिन इस नारियल के बरादे में इन्होंने तमाम जो ऑयल है इसका ये रिमूव किया होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है हर चीज में। एक रिवायत में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अगर कोई बीमार हो जाता था तो आप उसके लिए तलबीना तैयार करवाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसका मफहूम कुछ इस किस्म का है कि तलबीना हमारे दिल से दुख और परेशानी को ऐसे निकाल बाहर करता है जैसे कि चेहरा धोने पर पानी हमारे चेहरे की तमाम मैल को दूर कर देता है। इसके अलावा एक और हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस किस्म का है कि तलबीना आपके जिस्म की तमाम गलाजत को निकाल बाहर करता है। तो यहाँ पे दूध को बाकी चीजों के साथ पकते हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं। अब मैंने चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है। इसमें जो हमने रोस्टेड जो ऐड किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग इसे पका के बहुत ज्यादा गाढ़ा कर लेते हैं, तो मुझे ये इसी तरह रनी कंडीशन में ही अच्छा लगता है, क्योंकि अभी ये जब ठंडा होगा तो ये अपने अंदर सारा दूध जज़ब कर लेगा और ये मजीद टेस्टी हो जाएगा। अगर आप इसे गाढ़ा खाना पसंद करते हैं तो 4 से 5 मिनट इसे मजीद पका सकते हैं। देसी जो या उसके दलिये से आप कैसे ये तैयार कर सकते हैं उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। तो रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए मैंने इसे शेल्फ पे ही कवर कर दिया है। आप इसे ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सर्विंग से पहले मैं इस पे बनाना ऐड करूंगी। आप अपनी पसंद से कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। केला कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में ये एनर्जी देता है। स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा समझा जाता है।
और प्रोटीन हासिल करने का ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। केले के अलावा आप इसमें एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, चेरीज भी ऐड कर सकते हैं, तो जो फ्रूट भी आपके पास इजीली अवेलेबल है आप इस पे टॉपिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और नाश्ते में तो फ्रूट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। अब थोड़ा सा गार्निश के तौर पे यहाँ पे मैं बादाम ऐड करूँगी इस पर। आप इसको हनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने जितनी खजूरें ऐड की हैं इसमें मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपने ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए, अपने घर में मौजूद बुजुर्गों के लिए या अपने लिए एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। और आपका अच्छा या बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस हो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकअल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।